एक ना एक खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीदा खबर से हवाला। और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी यूपी जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान का लिए सहानुभूति दमदार। ये रिपोर्ट जो आप देखेंगे बीज जिले के तहसील एवं सभी जिला प्रभारियों के सौजन्य से आप तक पहुंच रही है। TNI रिपोर्टर इदरीस जे के सपाट करता है। आज जो ये आपका प्रोग्राम आपने किया है, क्या उद्देश्य है, क्या इसके बारे में? आज इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। इस पर हम सब पार्टी के लोग पंडित जी को खराज अकीदत पेश करते हैं और उसके साथ काली पट्टी बांधने का उद्देश्य ये है कि जो जालिम सरकार है उस सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना। आपने भी देखा होगा कि हजारों हजारों किलोमीटर दूर चल करके प्रवासी मजदूर जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जो हमारे भाई हैं, जो गरीब तबका है, वो देश की रीढ़ की हड्डी है, उन लोगों का दुख और दर्द देखते हुए आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी ने 1000 से ज्यादा बसों की व्यवस्था कराई, लेकिन इस जालिम सरकार ने उनको इस रूप में जो इस वक्त 45 और 47 का डिग्री का सेल्सियस है, इस धूप में उन्हें हम बस दे रहे थे। आदरणीय दीदी ने कहा कि कोई भी अपना झंडा बना लगाओ। हमारा उद्देश्य, कांग्रेस का उद्देश्य हमेशा इस देश की सेवा करना रहा है, ना कि सत्ता। जब जब देश की जनता ने चाहा है तो सत्ता मिली है, लेकिन कभी भी कांग्रेस जनसेवा से पीछे नहीं हटा और पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस जनों ने यह अभी भी साबित कर दिया कि कांग्रेसी सेवक है, कांग्रेसी सेवा करना जानता है। हमारे दोनों बड़े नेताओं ने 1000 से ज्यादा बसों का व्यवस्था की, लेकिन जालिम सरकार ने एक भी बस की व्यवस्था नहीं होने दी, ना ही श्रमिकों को बसों से जाने दिया। हमारा विरोध है कि हमारी अगर बसें वापस भेजी थी तो कम से कम सरकारी बसें इतनी हैं, सरकारी ट्रेनें इतनी हैं, सरकार आप हैं, आप चाहते तो वो सारी व्यवस्था सिकंटों में कर सकते थे कि जो हमने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके, कांग्रेस संगठन ने जो व्यवस्था करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके की, वो व्यवस्था अगर आप चाहते तो आप सरकार हैं, आप मिनटों सिकंटों में फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। और तो और सबसे बड़ा जो है दर्दनाक इसमें और एक बहुत ही एक काला प्रश्न ये बना कि उस सेवक को जो उन लोगों की सेवा करना चाह रहा था, हमारी पार्टी के बहुत सारे जिला अध्यक्ष जिन्होंने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से साझा रसोई का काम कर रहे थे, चाहे वो सीतापुर के हो, चाहे बहराइच के हो, बहुत सारे जिलों के जो है लोग हैं, बहुत सारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे पंकज मलिक साहब हैं जो प्रदेश के उपाध्यक्ष, वीरेंद्र कुमार गुड्डू जी हैं, उन सबको मुकदमे, झूठे मुकदमे लगाने का सरकार ने काम किया। इससे बड़ा जो है, इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती, ऐसा कभी अंग्रेजी शासनकाल में भी नहीं हुआ। जी, क्या नाम है आपका? शेरबाज पठान, जिला अध्यक्ष। ये आज आप DM साहब के कार्यालय आए थे, क्या मामला था? आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो योगी सरकार में शिक्षा घोटाला हुआ है, इसके संबंध में ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। आप अकेले ही आए थे? नहीं, पूरा संगठन साथ है, सैकड़ों कांग्रेसी जन जो है आज आए हैं। और बड़ा दुख का, बड़ा दुख का विषय है कि इतना बड़ा घोटाला, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पे जो है घोटालों का आरोप लगाती थी, लेकिन आज देखने में आया है, ये विभागीय का विषय है कि इतना बड़ा घोटाला और शिक्षा के क्षेत्र में जो इस देश का भविष्य बनाने में शिक्षकों का जो है सबसे बड़ा मेन योगदान रहता है, एक ऐसे विभाग में जो है घोटाला हो जाना इस बात को दर्शाता है कि वो दिन दूर नहीं है कि PCS में
पीसीएस में यूपीएससी में भी एक बड़े घोटाले इस सरकार में हो सकते हैं, ये आशंका है। हमारी मांग है सरकार महामहिम राज्यपाल से कि इसमें मौजूदा जस्टिस की एक बड़ी कमेटी बने और इस घोटाले की जो है जांच हो ईमानदारी के साथ, जो इस घोटाले में है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद।